गाइज गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। एंड अभी आज फाइनली कॉलेज व्लॉग कर रहा हूँ मैं, पता नहीं कितने दिनों बाद। ट्राई हमेशा करता था बट हो नहीं पा रहा था बिकॉज मेरी मोटिवेशन गायब हो जाती है। बट आज किसी ने लोग बीच में आ जाते हैं ना सारे, इतनी मुश्किल से शूट किया मैंने सोच समझ के सामने से। और भाई कैसा है ये, क्या मतलब भाई यहाँ पे शूट कर रहा हूँ यार, तुम बीच में आ जाते हो। तो प्लान यही है क्योंकि आज ना किसी ने मेरे को बहुत मोटिवेशन दी, मतलब कल, कि ना तेरे को व्लॉग करना है। तो मैंने कहा आज तो करना ही है। फिर आज मैं थोड़ा टाइम पे इसलिए क्योंकि मेरी पहली क्लास मिस हो चुकी है, तो क्लास छोड़ने का गम है। बट कोई बात नहीं, आज एक पार्टी भी मिल रही है मेरे को, पार्टी, फ्री पार्टी पे तो हम ऐसे जाते हैं जैसे कि बिल्ली चूहे के पीछे जाती है। कोई सेंस है इस बात का? राइट नाउ इन माय थर्ड ईयर, बट यार मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि ना मैं टाइम पे पहुंचा हुआ कॉलेज। बहुत कम 2-3% की मैं यार सबसे पहले पहुँच हुआ हूँ और ऐसे हो रखे, बट नहीं, हमेशा ही लेट, कभी तो क्लास मिस। There is no passion, there is no vision. बुरा हाल है मेरा, बट कोई बात नहीं, बैक बेंचर्स फॉर लाइफ। व्हाट? बैक बेंचर्स फॉर लाइफ, हमेशा से थे, हमेशा से है और हमेशा से रहेंगे। चलो अब मेरा ऑटो आ गया है तो आई'ल सी यू इन कॉलेज, ठीक है? अच्छा कॉलेज एंड यहाँ पे इतना रश है। एंड एक बात आई है मेरे को याद, तो बात ये है, थ्री इडियट्स तो सबने देखी है, तो उसका डायलॉग बहुत फेमस है, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के पीछे, अरे यार हॉर्न मत मारो यार, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। बट यहाँ तो अलग ही है, यहाँ पे तो सब अटेंडेंस के पीछे भाग रहे हैं, पर एक्सेलेंस वो क्या चीज़ है? और फिर आता हूँ मैं, मेरी तो अटेंडेंस भी पूरी नहीं हो रही। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਮਿਸ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕਲਾਸ ਮੇ, ਬੈਠੂੰਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਅਟੈਂਡੈਂਸ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ, ਕੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਰੇ ਸਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। क्लास के अंदर चलती हैं, कोई बात नहीं, अटेंडेंस नहीं मिलेगी बट अटेंड तो करते हैं। चलो हम हैं ना फिर पढ़ाकू लोग, कुछ भी इसलिए। तो लेट्स गो एंड मीट यू इन सम टाइम, जब आते हैं सब तो सबसे मिलवाते हैं, मजे करेंगे फुल ऑन। आज तो पार्टी हुई है, जस्ट क्लास खत्म हुई है एंड हम कोई रैंडम सी क्लास में हैं, तो लेट्स सी अभी कुछ देखते हैं। अभी मैं शिखा से मिलवाता हूँ, उसने मेरे साथ बहुत कल तंग किया उसने मेरे को कॉल पे, तो अभी बात करते हैं उससे। आपने 3 घंटे कॉल पे मेरे को इतना तंग क्यों किया पहले ये बताओ? कॉल आपने किया था? ये क्या बात है, तंग तो आपने किया ना, पर बटर चिकन बोल था, ठीक है। हाँ फिर आप ये खाली सी क्लास में क्यों बैठे पहले ये बताओ? हाँ ना, बात ए सी यहाँ का बहुत सही चल रहा है, बट अरे मैं फिर से चला रहा हूँ, आंटी ना आ जाए, आंटी नहीं है वो, गार्ड है। एंड ये बता, अभी तुमने फोर्थ ईयर वाली बंदी से ऐसे कैसे पूछ रहे थे वो फर्स्ट ईयर से? आपने खाना नहीं खाया तो आवाज़ कम गई तुम्हारी। हाँ तो जोर से बोला, थोड़ा चिल्ला के। मेरे को लगा कि जो बैग टांग कर आते हैं वो फर्स्ट ईयर वाली होते हैं, और मतलब ऐसे लाइन बना के जा रहे थे, तो मेरे को क्या पता फर्स्ट ईयर के साथ फोर्थ ईयर वाले जा रहे हैं। मतलब वो फ्रेंड हो गई बंदी, वो फ्रेंड हो गए, मतलब कैसे पूछ लिया? हाँ, और इसकी बेइज्जती हो गई, क्या है कैसी बंदी है, क्या क्या सवाल पूछ रही है, ऐसे ही हुआ था आपको बेइज्जती हो गई, ऐसे होगा। हाँ एक ऐसी चीज़ बताओ जो हम खाने के लिए लेते तो हैं बट हम खाते नहीं हैं। खाने के लिए लेते हैं हाँ बट हम उसको खाते नहीं हैं। यार ऐसे तो स्पेस चली आएगी, मैं सोचने लग गया था। बताना मुझे नहीं पता, ऐसे बहुत चीजें आ रही है दिमाग में। लेट बड़ी पागल है यार
अब मजा आएगा. What goes in hard and dry and comes out soft and wet. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. क्या समझ क्या आ रहा है दिमाग में? ऐसे हंसो मत यार, थोड़ा हिंट दे यार, ऐसे नहीं आएगा ये तो. हिंट ये है कि मतलब तू तेरे लाइफस्टाइल में बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब खाने पीने में. आंसू है नहीं, तू ये डेली 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 खाती है? अखरोट, वॉलनट. सच में? नहीं अबे नहीं, अबे अबे तो इतना बड़ा हिंट दे दिया. पिस्ता, पिस्ता. अभी अभी क्या कर रही है? च्युइंगम. ये आंसर है. हट, व्हाट तू है यार. अब मैं ये लेम क्या था, लेम था ये. चल देख, फर्स्ट क्वेश्चन तो तूने फेल आउट कर दिया, ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन है, वॉट कैन यू कैच बट नॉट थ्रो? ये क्या बात हुई, फीलिंग्स तो चली भी जाती है. थोड़ा हिंट है. हिंट ये चल ठीक है, तुम वो कॉल आ गया था तो इसलिए मिस हो गया, बट चल बता. अच्छा फीलिंग्स नहीं है, तुम प्यार में हो तो मतलब कुछ भी बोलोगे. तो जो हम कैच कर सकते हैं बट हम कैच नहीं कर सकते. यार यहाँ पे क्लास है तो जल्दी बता. चल ठीक है, यार क्लास राइट नाउ एंड वेट फॉर द आंसर. मतलब ईशिका का आंसर अभी पेंडिंग है तो यस. ओके दिया था मेरे तो कार्ड ले लिया गाइस. चलो कोई नहीं, कहाँ जा रहे हैं? हल्दीराम. क्यों जा रहे हैं? किसकी पार्टी है? बच्चों की. समक्ष के बच्चे हो गए. अच्छा आंसर तो बता फिर, किस चीज का जो क्वेश्चन पूछा था. व्हाट कैन यू कैच बट कांट थ्रो? बताइयो. व्हाट कैन यू कैच बट कांट थ्रो? इससे तो हो नहीं पाया. बाय द वे हमारी क्लासेस खत्म हो चुकी है और हम पार्टी करने आ गए थे. मेरा कार्ड भाई अटेंडेंस मिस कर दिया. वो रीजन नहीं जानना हमें, ठीक है बताना. मैं भी कुछ अच्छा नहीं बताया. चल ठीक है, तेरा हिंट है कि वो है नोज. नोज अब तो जान ले भाई. अब नोजी. ये क्या बोल रहे? मतलब कोल्ड. हाँ कोल्ड हो आंसर. यार क्या है यार, कितनी डम है यार. दिस इज नॉट लेम. अभी अनसब्सक्राइब करो भाई, ये लेम नहीं है भाई. उसको काटो भाई. कैमरा सही है. हाँ वी कैन कैच बट कांट थ्रो. अच्छा हम बेसमेंट में जा रहे हो, सिग्नल नहीं आएगा. सुपर है ना, तुम्हें मजाक कर रहा हूँ. बट हमारी क्लासेस सारी खत्म हो गई थी एंड अब हम घर जाएंगे. बट पायल मेरे को घर लेकर नहीं जा रही. दैट इज मिस करी है. अच्छा ये सब सब कुछ नहीं बताना होता. फिर व्लॉग का पॉइंट क्या होगा? सुपर है. ये बर्थडे बॉय था समक्ष, हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ. अरे हाथ तो मिला यार. हैप्पी बर्थडे. कोई कोई बात नहीं यार. सागर कभी कभी तो यार बोलता है यार, तो फिर उसको सुन लिया करो ठीक है.